पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विधानसभा चुनाव में भाजपा की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बंपर जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। भाजपा कार्यालय पर पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। ढोल और ताशों पर भाजपाइयों ने जमकर नृत्य भी किया। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है। जनता ने कांग्रेस के लुभावने वादों को नकार कर भाजपा को बहुमत दिया है। इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि इस जीत में नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए भाजपा मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी ने कहा कि भाजपा की ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। धारा 370, राम मंदिर, धार्मिक स्थलों का विकास ने इस जीत को और बड़ा कर दिया है। कांग्रेस की तुष्टिकरण की हार हुई है। ये जीत तीन स्टेटों में जो हुई है, ये इस बात का संदेश है दूसरे दलों को कि अब सिर्फ भाजपा ही भाजपा है और कुछ नहीं है। जनता के दिलों में मोदी जी राज कर रहे हैं, मोदी जी का जादू चल रहा है और सब जानते हैं कि आने वाला 2024 भी लोकसभा में हम बहुत भारी मतों से और बहुत 300 से प्लस सीटों से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने के लिए किस तरह की रणनीति आपके द्वारा बनाई जाएगी? मुरादाबाद की बात करें, हमारे कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। हम लोग घर नहीं बैठे हैं बिल्कुल भी। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, घर घर की कुंडी बजा रहे हैं, जनता के संपर्क में हैं और मोदी जी की जो योजनाएं हैं जिनसे जनता को लाभ मिला है वो हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और जनता से हमें खूब मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा हो रही है और आने वाला समय मोदी जी का है और हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिखाएगी। मुरादाबाद की मंडल सीटों पर अधिक लेने के लिए कुछ खास रणनीति आपके द्वारा बनाई जाएगी? रणनीति महानगर की बात करें, रणनीति महानगर ही नहीं सब जगह है। एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की टीम तैयार खड़ी है। एक बूथ पर 40-40 कार्यकर्ताओं की टीम हमारी है और हम एक एक बूथ जीत कर दिखाएंगे। ये हम लोगों ने प्रण लेकर इस 2024 के चुनाव के लिए हम खड़े हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है और तीन राज्यों में हम लोग जीत गए हैं। हमारी पार्टी ने परचम लहरा दिया है। पूरे देश में जो भ्रम फैला हुआ था, जो एक लोगों में भ्रम चल रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये क्लियर हो गया कि आज मोदी जी के सामने पूरे देश में कहीं कोई विपक्ष नहीं है। ये हमारी नीतियों की जीत है, हमारे कार्यों की जीत है, हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास है लोगों का। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, सबका साथ सबका विश्वास, और इस कार्यक्रम के चलते हुए पूरे देश की जनता ने उनको अपना मतदान किया है और उनको पूरी तैयारियों के साथ जो हम उतरे थे उसका हमें प्रतिफल मिला है। और ये तीनों स्टेटों की जीत ये सिद्ध करती है कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अब आने वाली तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत बड़े स्तर से हम लोग जीतने वाले हैं, परचम लहराएंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग पूरी ताकत से 2024 के लिए लगे हुए हैं। पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, उसके तहत 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।